मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं चांद से थोड़ी सी दूर। पिछली बार हमने इसे पढ़ा था, आज भाषा से के कुछ क्वेश्चन हम इसमें लेंगे। ठीक है, भाषा की बात, भाषा की बात। कर रहे क्योंकि
बातें करती है। ठीक है, एडजेक्टिव के बाद में हमने क्या करना, गोल गोल बातें करना। ठीक, एक वाक्य इसमें और बचा है, लास्ट वाला फोर्थ नंबर पर, परिभ्रमण करते हुए चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का परिभ्रमण करता है या चक्कर लगाता है। इन्हीं दिनों परिभ्रमण से वर्ष और मास की गणनाएं की जाती हैं। सामान्यतः 30 दिनों के महीने होते हैं, जिन्हें चंद्रमा की वार्षिक गति को 12 महीनों में विभाजित किया गया है। चंद्रमा पृथ्वी का एक पूरा चक्कर 365 दिनों में लगाता है, उन्हीं 365 दिनों को हम 12 महीनों में विभाजित करते हैं। 30 दिनों में 15-15 दिनों के दो पक्ष होते हैं, एक शुक्र पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। जिन 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंच जाता है उसे शुक्ल पक्ष, और जिन 15 दिनों में चंद्रमा घटते घटते अमावस्या तक जाता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। इसी तरह वर्ष के 12 महीनों में 6-6 माह के दो अयन होते हैं। जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान बढ़ता है उसे उत्तरायण कहते, जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान घटता है उसे दक्षिणायन कहते। गर्मी के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं और मकर संक्रांति के समय सूर्य उत्तरायण होते हैं। तो आप सूर्य दक्षिणायन में जाने वाले एक दो महीनों के पश्चात
तब सर्दी की ऋतु आती है, और जब उत्तरायण में जाते हैं तो गर्मी की ऋतु आती है। संवत के 12 महीनों के नाम देखिए, संवत जो है वो 12 माह में पहुँच गया है। कितने हैं? जैसे जनवरी से सभी को आते हैं, पर हिंदी महीनों के नाम आपको याद करना होंगे। चैत्र, ये आपका चैत्र का महीना, चैत्र नवदुर्गे से प्रारंभ होता है जो फरवरी मार्च में जाता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, अश्विनी, अश्विनी मतलब क्वार का महीना, कार्तिक, मार्गशीर्ष माह का महीना जिसमें बहुत सर्दी होती है, पूस के महीने में सर्दी पूस और माह में अत्यधिक होती है, और फाल्गुन का महीना जिसमें हमारी क्या आती है, होली का त्यौहार आता है, कार्तिक माह में हमारी दीपावली आती है, श्रावण माह में क्या आता है, रक्षाबंधन का पर्व। इस समय हमारा आषाढ़ का महीना चल रहा है, इस समय आषाढ़ का महीना चल रहा है, आज आषाढ़ की द्वितीय या तृतीय तिथि है। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, आज से आपका लेसन समाप्त हो गया है।